Friends, you've seen what the show is like, you've seen the AV, we have the cast in front of you. But before we proceed to the Q&As, I request each of the cast members to tell us a little bit about what kind of attracted you to the show or to the role in particular. Kiba, aap se shuru kare? Yeah. My character, Pari. Kyunki Pari kaafi different hai mujhse. Pari chashma lagati hai, Pari sports shoes pehenti hai, jhalli hai. पर मुझे नहीं लगता कि मैं वैसी हूँ. पर मेरी दादी जो वहाँ बैठी हुई हैं उन्हें लगता है कि मैं थोड़ी परी जैसी हूँ, थोड़ी झल्ली हूँ. बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी भी झल्ली हूँ. अगर वो कहती है तो मान लेती हूँ मैं थोड़ी झल्ली हूँ. और मैंने जितने भी इससे पहले रोल्स प्ले किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट थे और ये एकदम डिफरेंट है. और हमेशा से चाहती हूँ और हर एक एक्टर चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग अलग चीज़ें प्ले करें. तो मैं परी प्ले करने के लिए उत्सुक थी क्योंकि मेरी राइटर कम प्रोड्यूसर मेरे साथ है, इतनी सपोर्टिव हैं. मेरे प्रोड्यूसर राहुल जी ZeeTV और इतनी अच्छी कास्ट है जिनसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं परी प्ले करूँ. थैंक यू हिबा. अनिंदिता जी, आपका ये पहला हिंदी शो है, तो प्लीज टेल अस हाउ डज दैट फील. नमस्कार, मैं अनिंदिता कपिलेश्वरी जो कैलकटा से आई हूँ एंड दिस इज माय फर्स्ट शो इन हिंदी रादर इन नेशनल टेलीविजन. फॉर दैट थैंक यू जी सबा मुमताज एंड थैंक यू राहुल फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. मेरा कैरेक्टर जो है आप लोगों ने देखा है यहाँ पे, सासू माँ प्ले इन मेरी सासू माँ. मुझे एक्चुअली ये कैरेक्टर जो है बहुत चैलेंजिंग लगा, वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर. जो सासू माँ बाहर संभालती है, सब बिजनेस संभालती है, घर में आके संस्कार बोलती है कि ये करना चाहिए बहू को, वो करना चाहिए, और जो बिल्कुल ये मानती है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती. तो आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे ये बहू बेटी बनती है. Thank you. Pearl, आप बताएं, how what attracted you to the role or the show? सबसे पहले hello everyone. Hello Pearlie. Hello. And मुझे thank you so much Rahul sir, thank you so much Sabha ma'am, thank you so much ZeeTV and everyone कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी फैमिली में आके आपको थोड़ा सा सबको आपके थ्रू एंटरटेन कर सकूं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ के ZeeTV के साथ शो के बारे में. हाँ, ओब्वियसली कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि इससे पहले मैं जो कर चुका हूँ वो बिल्कुल ऑपोजिट था. मैं एक रॉक स्टार प्ले कर रहा था जैसे कि शायद आप लोगों से कुछ लोग जानते हैं, और ये एक स्मॉल टाउन बॉय है जो पहनता है हालांकि धोती बहुत टैकी है, तो अभी फुलते फुलते बच गई. बट या आई एम मैनेजिंग सम हाउ. बहुत अच्छा लगा. हाँ, ये गर्मियों में बहुत अच्छी चीज़ है आप सब धोती पहने हुए. और मुझे ये भी बताया गया कि मुझे बाइक चलानी है धोती पहन के, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे डाल के चलाओ वैसे कर दो. कोई बात नहीं, हम करेंगे. और कैरेक्टर बहुत अच्छा है. लाइक आई एम एक्चुअली सत्तू बहुत संस्कारी, मैं खुद को संस्कारी बोल ही रहा हूँ, बट हाँ मैं अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. उनके पूछे बिना या उनकी इजाज़त के बिना मैं कुछ नहीं करता हूँ. इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, और मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, हर चीज़ मेरी माँ डिसाइड करती है. और यहाँ पे भी जैसा कि मेरी माँ है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ में अपनी माँ को देख पाता हूँ. शी इज़ वेरी नाइस. मैं आपको भी अभी अभी एक एग्जाम्पल दे दूँ. वेर इन प्लीज़ प्लीज़ लेट मी. अभी हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, आई थिंक सब लोग बैठ गए थे, वहाँ पे चेयर अवेलेबल नहीं थी. एंड शी वाज स्टैंडिंग विद मी. आई वाज जस्ट सेइंग बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चेयर नहीं है, मैं खड़ा होऊंगा, इट्स ओके. वो आगे बढ़े, उन्होंने वो चेयर उठाई और उन्होंने मुझे दी. एंड दैट्स समथिंग गुड. आई वांट थैंक यू सो मच सबके साथ. और अब मेरी सच में अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वो यही चाहती कि मैं भी बैठ जाऊँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत कैरेक्टर के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि मैं बहुत दिल को फॉलो करता हूँ. मैं जब राहुल जी से मिला फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग द कैरेक्टर, कैरेक्टर की तो कोई बात नहीं हुई, हम लोग पहले बात की, उन्होंने कहा आप मुझे ऑफिस नहीं करता हूँ. हम लोग थोड़ी देर ऊपर गए, हम लोगों ने पहले थोड़ी देर टेबल टेनिस खेला, उसके बाद हम लोगों ने कहा अब क्या करें, फिर हम थोड़ा और ऊपर गए उन्हीं के ऑफिस में, हमने थोड़ी देर स्नूकर किया, उसके बाद हम लोगों ने सोचा अब क्या करें,
चल यार कर ही लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार लाइक अ फैमिली सभा में. आज भी मैम का मैसेज आया है, वाज ओवरवेल्म्ड एंड समथिंग आई डोंट नो व्हाट, समथिंग इज देयर व्हिच मेक्स मी फील लाइक आई एम इन माय फैमिली. And thank you so much everyone for that. Thank you so much, guys. Thanks, Pulam. All the best with wearing a dhoti on your bike. With the Q&A session now. So I request all of you, just raise your hand and we'll pass the mic to you. Sandeep. Pradeep sir, don't you think that the Saas Bong shows are totally out of vogue now, and how different are those shows? But since you asked me, you know, let me point out a few interesting things. One, it is a relationship which is very central, you know, in our culture. So it can never lose its relevance. From a television standpoint, you know, you made a valid point of a lot of shows that do have this relationship represented. But if you see the manner in which, you know, the story is moving, and the story centers around, you know, this girl Pari's hope of finding a mother in a mother-in-law, which is a very unique line, you know. And one of the interesting things that, you know, when Sabha had come and met us, the initial stages, and it stuck in my head really hard, was the reality that most women spend their largest part of their lifetime with their mother-in-law, but from a associative point of view, while the mother-in-laws and daughter-in-laws have reached a form of truce, they've not really worked to make that relationship truly a mother-daughter relationship. And that's where we felt that, you know, Pari can be that beacon of hope, that girl who becomes the messenger of change for the society. And through ZeeTV, we've always aimed to break stereotypes. So we want to make sure that, you know, truly like Vasudeva Kutumbakam, you know, that we start redefining how our relationship should be seen. These relationships have moved forward. जैसे आपने अभी आपके बीच बैठे हुए लोगों की भी बात सुनी, but some of them did say some very interesting things. Like one went a little biological, but said माँ दिल होती है and mother-in-law system होता है. You know, so there are different points of views in the society, and ZeeTV की reach के through और हमारे माध्यम के through, we are sure that we will be able to see things very differently. And that's the big difference in the show. It is really about how Pari, through all her challenges, being a motherless child, you know, when she enters the family, how she converts the Saasu Ma into a Ma. And the Saasu again here is very justified in the way that she brings a family together. So there's nothing negative in her in the truest sense. When you see the show, you realize. So it's a very powerful show which will tug into people's hearts. And whether this will stick or not, we will know very soon. तो पहले मैं बता देती हूँ कि मैं 29 साल की हूँ और एक छवि कितना देखती है